हाजीपुर में चिराग पासवान और पशुपति पारस में हो सकती है टक्कर। जानिए हाजीपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। हाजीपुर की लोकसभा सीट को बिहार का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इतिहास की बात करें तो इसे महावीर की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। हाजीपुर वैशाली जिले के अंतर्गत आता है और पहले हाजीपुर का नाम हरिपुर हुआ करता था। भारत के पूर्व मध्य रेलवे का ये मुख्यालय है। ये शहर भगवान राम की चरण धूली राम भद्र में रामचौरा के रूप में पूजनीय हुआ करती है। यहाँ के कौनहरा घाट पर नेपाल के महाराज का बनाया हुआ मंदिर स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना पेश करती है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में बता दें कि इसमें विधानसभा क्षेत्र के हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजा पाकर और राघोपुर की सीट आती है। इस लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल आते हैं। इसमें हाजीपुर, महुआ और महनार शामिल है। साल 2024 में हाजीपुर का विकास कार्य जारी। हाजीपुर का विकास कार्य जारी है। यहां छपरा से हाजीपुर के बीच साल 2009 में उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए NH-19 पर करीब 66 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 575 करोड़ का टेंडर जारी हुआ था और उसके बाद बिहार के हिस्से का रिंग बांध बनकर तैयार हो गया है। यूपी के हिस्से का काम जारी है। छपरा हाजीपुर फोरलेन का निर्माण कार्य हो रहा है। यहां बांध के निर्माण कार्य में करीब 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 66 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। वहीं यहां कुछ दिनों पहले ही गांधी सेतु से नवादा चौक, हिलालपुर शभई होते हुए सराय धोबघट्टी के पास NH-22 से जुड़ने वाली सड़क शुभई चौक के पास सड़क का उद्घाटन हुआ और उसके बाद इस रास्ते से लोगों का आना जाना काफी आसान हो चुका है। हाजीपुर से पटना की दूरी कम हुई है। आपको बता दें कि हाजीपुर की सीट से रामविलास पासवान ने साल 1977 में जीत हासिल की थी और इसके बाद साल 1980 में भी उन्हीं की जीत हुई थी, लेकिन 1984 में राम रतन राम ने उन्हें हरा दिया था। साल 2009 में इस सीट से जदयू के राम सुंदर दास की जीत हुई। इन्होंने रामविलास पासवान को हराया, लेकिन रामविलास पासवान ने यहां से साल 2014 में जीत हासिल की थी और उसके बाद साल 2019 में उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए पशुपति पारस को चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद साल 2019 में पशुपति पारस ने अपनी जीत दर्ज भी की। इन्होंने RJD के उम्मीदवार शिव चंद्र राम को हराया। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? हाजीपुर की लोकसभा सीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने साल 1977 में कांग्रेस के किले में सेंध लगाई थी। शुरुआती दौर में यहां 2 दशकों तक कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और उसके बाद अब आलम ये है कि रामविलास पासवान के परिवार के लोग ही इस सीट पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहां से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और जमुई सांसद चिराग पासवान के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। चिराग पासवान ने हाजीपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और उसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। हाजीपुर की लोकसभा सीट से साल 2009 में जदयू के वरिष्ठ नेता राम सुंदर दास की हार हुई थी। वहीं साल 2014 में उन्होंने फिर से वापसी कर यहां से 8वीं बार सांसद बने थे। 2 बार इस सीट से रामविलास पासवान की हार भी हुई थी। पहली बार वो कांग्रेस के राम रतन से साल 1984 में हारे थे और उसके बाद साल 2009 में राम सुंदर दास ने उन्हें पैच और उसके बाद साल 2009 में राम सुंदर दास ने उन्हें हराया था। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। साल 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो भविष्य की गोद में है, लेकिन सवाल खड़े हुए हैं कि इस सीट से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच टक्कर का अंजाम क्या होगा। चिराग पासवान को NDA की ओर से इस सीट पर जगह मिली है, वहीं पशुपति पारस ने NDA का साथ फिलहाल छोड़ दिया है। आपको बता दें कि हाजीपुर में हिंदू वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की संख्या 9% है। वहीं अति पिछड़ों की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार क्या हाजीपुर की लोकसभा सीट से चिराग पासवान की जीत होगी या फिर पशुपति पारस की? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। आप पैच
अभी के लिए इतना ही। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।